तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से खेल रहे हैं ब्लॉक्स रूट, और आज है एपिसोड नंबर 95। तो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई, तो इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक न्यू स्वॉर्ड की मैस्ट्री, जिसका नाम है भाई रैन गोकू, जो कि हमें एक अरसे पहले मिली थी, जो कि हमें आइस एनिमल को मार के मिली थी सेकेंड सी में। तो यहाँ पे उसको पाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके सारे अटैक खोले नहीं थे, तो एक अटैक खुला हुआ है, इसे जस्ट टेस्ट करके देखते हैं, जो कि काफ़ी वाइस सैवेज टाइप का लगा, बैडेस टाइप का लग रहा है इनको। तो इसको हम लोग दूसरा अटैक खोलने में मैं बहुत चाहता हूँ भाई। और कस्ट टूल का टाइम इसकी थोड़ी थोड़ी फील देता है, मतलब अगर सिंगल सिंगल स्पॉट्स अगर ही यूज़ करते हैं, जैसे यामा टोशीटा वैसा थोड़ा फील आता है, लेकिन उतने भयंकर एनिमेशंस नहीं है, जो कि नॉर्मल रहते हैं। उसके बाद मैं सेकेंड सी आता हूँ और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड की ऐसी तैसी मचा देता हूँ। तो यहाँ पे भाई कोई सोल गिटार यूज़ कर रहा है, बताओ। सोल गिटार यार मेरे को तो पसंद नहीं आया, पता नहीं लोग क्या यूज़ करते हैं इसका, स्टन करने के काम आता है, बाकी तो कुछ खास इसका मुझे तो पर्सनली, क्योंकि भाई मैं रॉ प्लेयर हूँ, मेरे को इतना पसंद नहीं है भाई, क्योंकि मैं कॉम्बोस वगैरह बस जो दबता है दबा देता हूँ, और तीन चार चीज़ें शिफ्ट करनी भी थोड़ी टफ रहती मेरे लिए। अभी मैं स्टन करना सीख रहा हूँ, मतलब सोल गिटार शायद ही मैं कभी यूज़ करूँ, या आगे चल के देखता हूँ जब बाउंटी हंटिंग करनी सीख जाऊँगा मैं। पिछले मैंने डो खाया था मैंने जस्ट बाउंटी हंटिंग के लिए, लेकिन इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती कि भाई मैं फ्रूट चेंज करने वाला हूँ जैसे इसके अगली वीडियोस में, ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन अब करने वाला हूँ बस, तुम लोग जस्ट देखना। तो यहाँ पे उसके बाद मुझे मिलता है डार्क फ्रेगमेंट ब्लैक बियर्ड को मारने से, जो कि मिथिकल आइटम है जस्ट। तो यहाँ पे पानी में तैरता हुआ मैं, भाई अवेकन डो तो भाई तगड़ा तो है यार, कुछ भी कहो, लेकिन भाई यहाँ पे स्किल्स भी तो चाहिए उतने तगड़े, जो कि है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे उसके बाद मैं ट्रेड की ट्राई करता हूँ सेकंड सी में, तो सेकंड सी में ट्रेड काफ़ी भयंकर मिलती है, थर्ड सी में बंदे बहुत चालाक हो जाते हैं, सेकंड सी में तो भाई पता नहीं मिल जाती है आराम से ट्रेड अच्छी अच्छी कभी कभी, मतलब कोई नूब बंदा हाथ में आ जाए या कोई ज़रूरतमंद बंदा हाथ में आ जाए तब ट्रेड अच्छी मिलती है, नहीं तो भाई टफ़ रहता है यहाँ पे। आजकल ब्लॉक्स फूट एक तो बहुत सारे लोग खेलने लग गए हैं, और वहाँ पे जो ब्लॉक्स फूट खेलता है वो कंटेंट भी देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है सारा कुछ, तो स्कैम नहीं कर सकते तुम किसी के साथ भी, और तुम ही स्कैम ज़्यादा हो जाते हो हमेशा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, जो करना है करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।